to present. Now we move on to family ties and times with Shankar Jaikishan. And I would request two of our dear friends, Dinesh Shailendraji and Akhtar Jaipuri, to come up one by one and speak to us with their. Akhtar ji, aaiye. No, whoever. Aaiye, aaiye. A big hand. Aaiye, Akhtar ji, aaiye. Aaiye, aaiye, Akhtar ji, aaiye. A big hand for both of them. मेरा नमस्कार आदाब आप सब लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चिराग भाई का उनका SJMF फाउंडेशन का इसी के जरिए आज उन्होंने शंकर जयकिशन हसरत शैलेंद्र की यादों को जिंदा रखा है उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं अब मैं तो बहुत छोटा हूँ जो इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के बारे में कुछ बताऊँ लेकिन अपने डैडी के बारे में ज़रूर कुछ बता सकता हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे मेरे डैडी एक बहुत ही सिंपल सीधे साधे आदमी थे उनका एक ही मोटो था उन्हें शौक था पैशन था गाना लिखने का पिक्चरों में उन्हें गाना लिखना था उनका लाइफ का मोटो था कि अच्छा गाना तो अच्छा खाना दोगे तो अच्छा गाना लिख पाऊंगा मैं उन्हें खाने का बड़ा शौक था आज भी जब भी रहे वो उनका बहुत शौक था इस्पेशली चंदू भाई के वहाँ जब भी उनकी इन्विटेशन रहती थी तो बहुत घबराते थे कि चंदू भाई तो वेजिटेरियन है क्या करूँगा मैं कैसे निकालूंगा फिर भी हम रिक्वेस्ट करते कि आप जाओ चंदू भाई बेचारे कहीं से भी लाके उनको दे दिया करते थे डैडी की कुछ ऐसी यादें हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अगर हर आदमी करे तो बहुत आगे निकल सकता है उनका एक था कि वो हर किसी को मिला करते थे उनके हमारे घर पे इतने लोग आते थे सुधाकर जी जैसे आए मगर मिलते थे सबसे वो कभी किसी को इनकार नहीं किया हम पूछते थे कि डैडी आप हर किसी से मिल लेते हो ये क्यों करते हो बोलते हैं नहीं ये भी शायद एक दिन हसरत जयपुरी बन सकता है किस्मत बदलेगी गाने लिखने में एक पैशन था उनका सुबह से उठ जाते रात के कभी कभी रात के बीच में हमें गुनगुनाने की आवाज़ आती थी तो आँख खोलते देखते डैडी बैठे हुए लिख रहे हैं क्या हो गया डैडी आप सुबह लिख लेना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बोलते हैं नहीं ये थॉट जो है ना निकल गया तो ये फिर नहीं आएगा वापस तो गाना चाहे हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए ट्रेन में भी हम जाते थे ये उनको कभी शौक नहीं था कि मैं गाड़ी में जाऊं ट्रेन में जाते थे ट्रेन में लिखा करते थे ऐसे लोग पागल हो जाते थे कि जो बेचारा खार उतरना चाहता था वो बोरीवली तक आ जाता था कि ऐसा चांस नहीं मिलेगा इनके साथ लिखने का डैडी ने गाने लिमिटेड कभी नहीं लिखे हैं हमेशा इतने अंतरे लिखे हैं कि प्रोड्यूसर को मौका मिलता था इसको सिलेक्ट करने का एक ऐसा वाकया है कि अनु मलिक मेरे कज़न ब्रदर हैं अनु का थोड़ा टाइम अच्छा आ गया तो डैडी के पास आया गाना लिखाने डैडी को कहा उसने कि मुझे गाने लिखना है कुछ लिखा है गाने उसे नहीं पसंद आए उन्हें बोला नहीं मामू मुझे लगता है अब अभी बुढ़े हो गए हो अब आप नहीं लिख पाओगे तो ये डैडी को दिल में लग गई उन्होंने उस वक्त राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली चल रही थी मगर उन्होंने रविंदर जैन को साइन किया था रविंदर जैन से जाके डैडी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक चांस दे दो खाली मुझे किसको बताना है कि मैं क्या लिख सकता हूँ रविंदर जी ने राज साहब से मिलाया राज साहब ने डैडी को कहा आप लिखो एक रोमांटिक गाना है डैडी ने लिखा सुन साहिबा सुन उसके 45 अंतरे लिखे इसी बात पे फिर उन्होंने एक चार लाइनें कही हैं मैं सुनाता हूँ कि अपने जज्बात में एक बरके तपा रखता हूँ दिल का सच्चा हूँ मोहब्बत की जबान रखता हूँ ढलते सूरज की तुम ना हंसी उड़ाना यारो लाख बूढ़ा हूँ इरादे तो जवान रखता हूँ फिर एक इवनिंग इन पेरिस क्या मैं गाने डैडी ने काफ़ी शम्मी जी को बहुत शम्मी और राजेंद्र जी के लिए बहुत सारे गाने लिखे इनफैक्ट सिल्वर जो जुबली कुमार उनको बोलते थे शंकर जयकिशन और हसरत शैलेंद्र के गानों की वजह से वो जाने जाते थे अदरवाइज ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग एक्टिंग वाइज कुछ नहीं कर पाए थे वो मगर इन गानों पे खूब चले थे वो तो एक इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला जी के
दुनिया जानती है कि उनके डिंपल्स बहुत अच्छे पड़ते हैं, तो डैडी को मिली, बोली डैडी को कि हसर भाई मेरे डिंपल्स अच्छे पड़ते हैं, कुछ लिख सकते क्या? डैडी ने बोला एक गलत फहमी दूर कर दो, मेरी बीवी के इससे अच्छे पड़ते हैं। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है आपको चार लाइनें लिख सकते, बोला ठीक है मैं बताता हूँ। थोड़े 5-6 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि चलो ये 4 लाइनें मैं तुम्हारे डिंपल्स देख के बोलता हूँ कि तेरे गालों में बहारों के भंवर पड़ते हैं, तेरे गालों में बहारों के भंवर पड़ते हैं, दिल की कश्ती इन्हीं मौजों में बही जाती है, ए जाने तमन्ना मेरी बात मत पूछ, बात खामोश नज़र से भी कही जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कवि सम्मेलन में भी हम लोग साथ में जाया करते थे, तो हमेशा डैडी को एक शिकायत रहती थी कि हर ऑर्गेनाइज़र है ना उन्हें एंड में रखता था। तो डैडी बोलते थे यार बेटा ये हमेशा मुझे एंड में रखते, इतने घंटे चुपचाप बैठना पड़ता है। फाइनली एक दिन उन्होंने किसी ऑर्गेनाइज पूछा भाई तुम मुझे पहला चांस क्यों नहीं देते हो, मैं सुनाऊं? बोले अगर आपको पहला चांस देंगे तो हॉल खाली हो जाएगा, सब निकल जाएंगे। तो डैडी ने काम बहुत अच्छा किया शंकर जयकिशन साथ। आप ये जानकर हैरानी होगी कि ये इतना स्ट्रांग ग्रुप था कि इन्होंने आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। कभी आपने नहीं सुना कि शंकर जयकिशन और हसरत शैलेंद्र का झगड़ा हो गया। सबसे बड़ी एग्जांपल है कि शैलेंद्र जी ने पिक्चर बनाई थी तीसरी कम, उसमें डैडी से गाना लिखाया। ये आज के टाइम में होता कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। और उनका साथ था कि शंकर जयकिशन को रफ़ी साहब, लता जी का साथ मिला, वंडरफुल सिंगर्स। नहीं मेरा तो चैलेंज है इंडस्ट्री को कि अगर शंकर जयकिशन हसरत शैलेंद्र के टक्कर का आ जाए कॉम्पिटिशन, वी विल बीट देम हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन मारेंगे उनको लोग। एक्चुअली वी शुड रिक्वेस्ट इवन फिल्म फेयर जो ये आर डी बर्मन अवार्ड रखते हैं, इट शुड बी शंकर जयकिशन अवार्ड, नॉट आर डी बर्मन। आर डी बर्मन बहुत पीछे, बहुत पीछे। अगर कॉम्पिटिशन करें ना ही इज़ नथिंग, बट उसका प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि आजकल आप जब भी टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि इस पिक्चर ने इतने करोड़ कमा ली, मगर लोग ये नहीं जानते कि 1964 में संगम ने 4 करोड़ कमाया था जब गोल्ड वॉज 63 रुपीज़ अ तोला। सो इफ़ यू कन्वर्ट इट टुडे इट इज़ 1800 करोड़। नो पिक्चर एंड मैच दैट 1800 करोड़ इट वुड हैव मेड। और आज इतना प्रोपागेंडा होता है, फिल्मों को बेचते हैं आज, इन्होंने कभी बेचा नहीं है। ये शंकर जी ने खाली नाम से अपने काम से सबको जीता है और ऐसा काम किया है कि आई डोंट नो देर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। मैंने तो सुबह शाम इनके गानों पे जाओ, इनफैक्ट अन्नू जब कॉलेज में था तो रोज़ शाम को आके मुझसे पूछा करता कि चंदा तेरे को मालूम है शंकर जयकिशन कौन सा बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है? मुझे बहुत शौक था शंकर जयकिशन का, तो उसको मैं रिकॉर्ड सिलेक्ट करके रखा करता था, सुनाते थे कि ये बैकग्राउंड देख। वो आज भी प्रोग्राम्स में मेरी तारीफ़ करते हैं कि अगर ये नहीं होता तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन पाता था, इतना उस फैसिनेटेड था वो उनसे। और बाकी तो मैं क्या बोलूँ, बोलते जाऊँगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक सर दिनेश यू कैन कम एंड टेक।